सो ये है मोहब्बतें में फिर से होगी गोलियों की बौछार, इशिता फिर से बनेगी दुश्मनों के घातक वार का शिकार, लेकिन सच का हमेशा साथ देने वाली इशिता क्या मानेगी हार? जी नहीं, हमेशा की तरह होगी सच्चाई की जीत ही। वेल होगा ऐसा कि इशिता और रमन जहां एक तरफ ढूंढ रहे हैं नताशा से डील करने का तरीका, तो वही युग करण रूही और आलिया ढूंढ रहे हैं नताशा के डॉक्टर को जो बता सकता है उसका सच। इसी बीच हो जाता है उस डॉक्टर का मर्डर, जिसका ब्लेम आता है युग पर। जब युग जाएगा उस डॉक्टर की वाइफ के पास उसे ये बताने कि वो नहीं है असली गुनहगार, उस वक्त होगा उस पर हमला, वो भी बंदूक से, जिसकी गोली के बीच आ जाएगी इशिता। अपने बेटे युग को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी इशिता। तो क्या यही है इशिता का दी एंड? क्या वो कभी नहीं पहुंच पाएगी अरिजीत तक, जो है इस सब का जिम्मेदार? और क्या नताशा वाकई जान पाएगी फाइनली कि रमन नहीं है शार्दुल? बस जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि टेलीविजन की लेटेस्ट खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।